ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिजली विभाग बना स्टंट मैन, एक तार पर खड़ा पूरा बिजली का खंभा। प्रदेश में योगी सरकार अफसरों पर चाहे जितने भी जतन कर ले, लेकिन हटी अधिकारी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है एटा के अलीगंज से। अलीगंज नगर के अंतर्गत गांधी मूर्ति चौराहे के पास पुलिस चौकी के सामने खड़ा एक बिजली का पोल नीचे से पूरी तरह टूटा हुआ है। सीमेंट के बने इस भारी पोल को टूटा हुआ देखने से लोगों में भय व्याप्त होता है कि कहीं तेज हवा के चलने से यह पोल मौत बनकर कहीं किसी की जान न ले ले। इस पोल के बारे में बिजली विभाग के SDO को कई बार अवगत भी कराया गया है, लेकिन बिजली विभाग इतना हटी है कि उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। आखिर बिजली विभाग किस बड़ी घटना के इंतजार में है? कई महीनों से खड़े टूटे हुए पोल को क्यों नहीं बदलवाया जा? क्या नाम है आपका? चंदन। ये जो लट्ठा टूटा है चौराहे के पास में जी, इसकी कहीं शिकायत की आपने? शिकायत क्या, अखबार निकाला तो पत्रकार से मैं उधर से मैंने कहा, और जो है अखबार निकलने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लट्ठा वैसा की वैसा लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है लट्ठा? वैसे ही निकला हुआ है, नीचे टूटा हुआ है। ये किसी से बंधा दिए? हाँ, रस्सी से बांध दिया है ऊपर। एक बार शिकायत करी तो रस्सी से बांध दिया। क्या लगता है इससे कोई अप्रिय घटना हो सकती है? हाँ, अप्रिय। इससे पहले भी जब लट्टा गिराऊ था, इससे पहले भी एक दो चार बार कह चुके हैं, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो है लट्टा बांध के चले गए बिजली विभाग के लोग रस्सी से। कोई कार्रवाई नहीं है? यहाँ रास्ता भी निकलता है, यहाँ मतलब रास्ता निकलता है, लट्टा पहले रास्ता निकलता है, और इससे पहले लट्टा गिर गया। इससे पहले शिकायत, लट्टा गिर गया कि एक साहबान निकल रहे थे तो उनके जो है कंधे पे लट्ठा लग गया। इससे पहले भी लट्ठा एक बार गिर चुका है? हाँ, गिर चुका है। इसके बाद कार्रवाई, उसके बाद बिजली विभाग के लोग आए और रस्सी से बांध के चले गए उसी लट्ठे को, और लट्ठा बदलने का कोई भी नाम नहीं लिया। अभी भी घटना हो सकती है रहा है। आपको बता दें, अलीगंज के गांधी मूर्ति चौराहे पर आवागमन भारी संख्या में बना रहता है, किसी भी अप्रिय घटना को दावत देता है। यह पोल कभी भी गिर सकता है, क्योंकि पोल के नीचे के सारे तार टूट चुके हैं। वह अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर खिसक चुका है। बिजली विभाग स्टंटमैन की तरह इस पोल को एक रस्सी से बांध कर रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, जबकि इसे बदलवाना चाहिए। या स्थानीय लोगों एवं पत्रकारों द्वारा कई बार इस पोल के बारे में SDO अलीगंज ज्ञान प्रकाश गुप्ता को भी अवगत कराया गया है, लेकिन SDO ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। आपका? राजेश। ये जो लट्ठा टूटा है, इसकी आपने कहीं शिकायत की? मैं जिनसे कहा था जनरेटर चलाने आए थे, मैंने साहब भाई साहब लट्ठा टूट रहा है इसको देखने। कोई बिजली वाले आए इसे देखने के लिए? कोई नहीं आए थे। बिजली विभाग इतना लापरवाह हो गया है कि उसे आम जनमानस की जान तक की कोई परवाह नहीं रही है। टाइम्स 18 न्यूज के लिए एटा से गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट। टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरें पहुंचें आप तक। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर